दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में टेक्निकल स्मार्ट में। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों कि अगर आप लोग दो बंदों के साथ अगर कॉल पे बात करते हो और दोस्तों आप लोग किसी के कॉल को जब रिकॉर्ड करने जाते हो, जब रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करते हो तो एक आवाज़ आती है, एक नॉइज़ आती है कि आपका जो कॉल है वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो दोस्तों आखिर ये नॉइज़ को आप लोग किस प्रकार से बंद कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो जो हमारा बिल्कुल जो वीडियो का जो मकसद है पूरा यही है कि आप लोग किस प्रकार से ये जो नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो कॉल है वो रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग इसे कैसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में चलिए आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं अपने सेकंड फ़ोन को ले लेता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि कैसे आप लोग को ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये मेरा रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। अब देखो मैं बताऊँगा कि दोस्तों कि जब भी आप किसी से बात करोगे ना, तो जब भी आप लोग रिकॉर्डिंग के बटन पर क्लिक करोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आएगा कि आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक काम करना है। अगर आप लोग वो काम कर देते हो ना, तो बिल्कुल आप लोगों का दोस्तों बिल्कुल भी आपको मतलब नॉइज़ नहीं आएगी कि आपका कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा करना क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है TTSLEXX। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और ये 1 MB से भी कम है, तो डाउनलोड कर लेना है आपको। करने के बाद यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पे आपको एक काम करना है। ठीक है, सिंपल सा आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना होगा। तो यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे आपको सर्च करना होगा टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, ये आपको सर्च करना होगा, ये आपको सर्च करना होगा। ठीक है, तो ये मैं लिख दिया हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ तो यहाँ पर ज़रूर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट ही रहने देता हूँ सिर्फ अभी। हाँ देखो आ गया टेक्स्ट स्पीच, इस पर क्लिक करना। तो मैं इस पर क्लिक किया हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे परफॉर्मेंट इंजन पे क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये गूगल टेक्स्ट टू स्पीच पहले सेलेक्ट होगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया ना उस पर क्लिक कर देना है, ये इसका नाम है, और इस पर ओके कर देना है। ठीक है, ये कर दिया। अब दोस्तों आपका जो सेटिंग है वो कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर नॉइज़ आता है। ठीक है, यहाँ पे जब रिकॉर्ड करोगे तो यहाँ पे नॉइज़ आता है, कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, इसे आप लोग पूरा कम कर देना। ठीक है, देखो 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 दोस्तों यहाँ पे आवाज़ आ रहा है। ठीक है, देखो यहीं से आवाज़ आता है। ठीक है ना, तो इसे आप लोग कम कर देना। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। ये सेटिंग तो हमने कर दिया है, करने के बाद आपको एक का और काम करना है। क्या काम करना है, अगर वो काम नहीं करोगे तो आपका काम ही नहीं करेगा ये ट्रिक। यहाँ पर आपको कॉलर पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके रखना है और यहाँ पर ऐप इन्फो पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक करना और इसका क्लियर डाटा पे क्लिक करके ओके कर देना। ठीक है, ये करना भूलना मत, कॉलिंग वाले एप्लीकेशन से ये काम करना है। ठीक है, जिससे आप लोग कॉल करते हो, तो ये फ़ोन वाला है। ठीक है, इस पर क्लिक करना, ये दोनों कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, इस पर क्लिक करना, कॉलिंग वाले जिसे कॉल करते हो और इसका स्टोरेज का जो है डेटा क्लियर कर देना, ये करना भूलना मत, नहीं तो काम ही नहीं करेगा ट्रिक। अब क्या करना है, उसके बाद आप लोग जब भी क्लिक करोगे ना, जब भी आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे, आपके साथ ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा कि आपका इसमें बोलेगा ही नहीं कि आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैं क्लिक किया इस पर गया और देखो, हाँ ये दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड का बटन दिख रहा है ना आपको, इस पर क्लिक करोगे ना तो बिल्कुल आपको नॉइज़ आता होगा। ठीक है, जब इस पर क्लिक करोगे तो आपका नॉइज़ आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।